हम झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़े हुए हैं, आंदोलनकारी हैं। सो गाइस ये देखो हमारा मटन लगभग बन के हो चुका है, लगभग लगभग कंप्लीट। ये देखो काफी अच्छा बुलबुल। सो गाइस ये देख सकते हो हमारा मटन काफी बढ़िया से बन के हो चुका है रेडी, और फटाफट करते हैं टेस्ट। ये देखो मटन थोड़ा सा गर्म है, यहाँ पे गरम है भाई। हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो हमें आनंद और आप देख रहे हैं एपी ब्लॉग्स आनंद। हम आ चुके हैं झारखंड होटल, जो कि अगर लोकेशन की बात की जाए तो हम हैं अभी ये आपको डीएवी नियर हेहल के पास आपको मिल जाएगा, इटकी रोड में कटहल मोड़ के पास आपको दिख जाएगा झारखंड होटल। तो यहाँ पे कैसा मटन बनता है और क्या मटन बनता है वो सारा प्रोसेस बताते हैं आप लोग को। लेकिन यहाँ उससे पहले गाइस यहाँ पे हम थोड़ा बता देते हैं आपको कि यहाँ पे बटुआ वाला मटन बोलते हैं इसको, और बहुत अच्छा इनका मटन जो है लगता है, और टेस्ट करके ही बताएंगे आप लोग को कैसा यहाँ पे मटन बनता है। तो पूरे रांची में नया कॉन्सेप्ट होने वाला है, अंकल जी जो लाए हैं यहाँ पे पूरा नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो चलिए अंदर लेके चलते हैं आप लोग को, मेकिंग पूरा दिखाते हैं कैसे बटुआ मटन बनता है, और सारा चीज़ आपको वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो में बने रहेगा। एंड चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो तो अंदर का कुछ लोकेशन यहाँ पे, जहाँ पे बैठ के आप आसानी से मटन को एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो हमारा प्याज की जो है यहाँ पे कटिंग हो रही है, ये चेक करो आप। गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारा मटन जो है अच्छे से फ्रेश कर लिया जा रहा है यहाँ पे, ये चेक करो। तो ये देखो हमारा मटन को अच्छे तरीके से फ्रेश कर लिया जा रहा है। प्याज जो है हमारा लहसुन के पेस्ट में जो है ना मिक्स यहाँ पे किया जाएगा, ये देखो आप। और प्याज को अच्छे तरीके से स्लाइस काट लिया गया, बहुत ही यूनिक और बहुत नया कंसेप्ट होने वाला है। और यहाँ पे देखो हमारा मटन को यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, मतलब एक ही पत्ती जाएगा। तो यहाँ देखो हमारा सारा मटन जो है मिक्स किया जा रहा है, और यहाँ पे हमारा मसाला हमारा। तो अंकल जी अभी हमारा जो मसाला पड़ा पेस्ट मसाला, वो उसमें क्या क्या था मिक्स यहाँ पे? मिक्स में था भैया गोलकी था, जीरा था भैया, हरा मिर्च था भैया, यहाँ पे देखो आप हमारा नमक, तेल डाले, ये देखो हमारा नमक, अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो सारे मसालों के साथ हमारा यहाँ पे प्याज लहसुन आपका मिर्चा का पेस्ट, अदरक लहसुन गोलकी जो भी है जीरा सारा चीज़ का पेस्ट डाल के यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स किया जा रहा है। ये टोटली थोड़ा नया चीज़ होने वाला है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको जो मटन हांडी बनता है उसके जैसा थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। सोएज मटन जो हमारा मिक्स हो चुका है अच्छे तरीके से, ये चेक करो आप। यहाँ पे बटुआ चढ़ चुका है हमारा, ये देखो आप, ये बटुआ होता है पीतल का, ये देखो आप। आज हमारा कांसा वाला, तो आज पूरा जो मटन हमारा इसमें बनने वाला है, आप पूरे रांची में आपको ये ऐसा मटन आपको कहीं नहीं मिलेगा खाने के लिए। बटुआ बटुआ में हमारा अब जा रहा तेल, ये देखो आप, और बहुत कम क्वांटिटी में यहाँ पे हमारा तेल पड़ने वाला है, ये देखो आप। तो यहाँ पे आप देख सकते, ये देखो हमारा तेज पत्ता गया, और हींग और खड़ा गोलकी और जीरा यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, ये चेक करो। तो यहाँ पे हमारा तेज पत्ता, ये देखो हमारा यहाँ पे हींग गया, गोलकी गया, जीरा गया, तेज पत्ता गया ये। एंड देखो हमारा यहाँ पे मटन जो है आ चुका है एकदम मिक्स किया हुआ मटन। अब हमारा मटन को ऐड किया जाएगा, और हींग डालने के बाद देख सकते हैं ऐसे ही सारे मसालों के साथ मैरिनेट करके रख दिया गया है। एंड अब हमारा मटन जो है फाइनली, अब हमारा मटन ऐड किया जाएगा बटुए में, ये देखो हमारा बटुआ। तो ये देख सकते हो हमारा बटुआ गर्म हो चुका है, ये देखो हमारा मटन। एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होने वाला है रांची, पूरे रांची में आपको बटुए वाला मटन कहीं नहीं खिलाया जाता है। तो अगर भी अगर आपको टेस्ट करना है बटुए वाले मटन, तो आप यहाँ आके एक बार टेस्ट एटलीस्ट ज़रूर कर सकते हो। ये देखो आप को अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स किया जा रहा है, ये चेक करो, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ मटन को हमारा मिक्स किया जा रहा है। तो अंकल जी ये कब तक पक जाएगा? ये 45 मिनट पक जाएगा, 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर पक जाएगा भैया। ओके, तो ये बटुआ में बनाने का रीज़न क्या होता है? रीज़न है कि इसका टेस्ट अलग होता है, इसको तेल मसाला बहुत सा कम सा पड़ता है, इसका मतलब बहुत ही कम, और तेल बहुत कम डलता है, टेस्ट इसको बहुत बढ़िया बनता है। इसको
अगर इसको 5 लीटर हम नहीं डाल के रखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो अच्छे तरीके से यहाँ पे ढक दिया गया। और तो ये पानी डाल के क्यों ढके हुए अंकल? ये अगर नहीं पानी डाल के रखेंगे ना तो फेंक देगा कटोरा, स्टीम कुकर के मुताबिक बना देता है, इसमें स्टीम बना देता है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो है मटन जो है पक रहा है और लगभग अभी 40 से 45 मिनट मटन को ऐसी ढक कर पकाया जा रहा है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मटन ढक्कन को हटा लिया गया है और यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे चलाया जा रहा मटन को। तो ये देखो लगभग आधे घंटे के बाद हमारा मटन आप देख सकते हो क्या ही खूब यहाँ पे लग रहा है। तो ये देखो हमारा मटन गाइस काफ़ी बढ़िया सा, लगभग आधा मटन हमारा पक चुका है अभी। और कितना समय लगेगा भैया? 15 से 20 मिनट लगेगा भैया। 15 से 20 मिनट और? हाँ भैया 15 से 20 मिनट में हो जाएगा भैया। ओके तो लगभग अभी 15 से 20 मिनट और इसके बाद हमारा मटन जो है रेडी हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो हमारा बटुआ में मटन जो है पक रहा है अच्छे तरीके से और ये देखो अब काफ़ी अच्छे तरीके से कलर जो है निकल के आ रहा है अभी से ही। ये देखो हमारा पीस क्या ही खूब लग रहा है गाइस, तो काफ़ी एकदम कलर जो अभी से आना स्टार्ट हो गया है। चलाइए देख रहे हो गाइस अभी से स्मेल जो आना स्टार्ट हो गया है। ये चेक करो आप हमारा मटन, काफ़ी बढ़िया मटन जो हमारा लग रहा है। तो ये देखो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे हमारा मटन जो है पक रहा है गाइस, वो भी पीतल के हांडी में बटुए में जो हम लोग पहले खाया करते थे वो चीज़ अभी आपको मिलने वाला है। सो गाइस अच्छा वाला मटन हमारा जो भैया बना रहे हैं, तो चलिए भैया से कुछ बात करें। तो भैया ये मटन आप कितने सालों से बना रहे हैं? करीबन 20 साल से। 20 साल? 20 साल से आप मटन बना रहे हैं ये? तो भैया और कितना समय लगेगा ये मटन? 15 से 20 मिनट भैया। 15 से 20 मिनट अभी और लगेगा हमारा मटन को पकने में। तो ये देखो हमारा मटन काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे सीज रहा है ये गाइस। ये देखो हम झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़े हुए हैं, आंदोलनकारी हैं और यहाँ पर जो है सो कि कटहल मोड़ इटकी रोड DAV के पास झारखंड होटल खोले हुए हैं। अच्छा व्यंजन, शुद्ध स्वादिष्ट व्यंजन आए खाएं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे, अपना शुभ नाम बताएंगे। हमारा नाम मनोज सोनी हुआ। मनोज सोनी जी, अभी दो तीन महीना से आप दुकान खोले हुए हैं, तो रिस्पांस अभी कैसा आ रहा है दुकान का? ठीक, रिस्पांस ठीक है। यहाँ पे हमने सुना हुआ है, हमने देखा हुआ है कि यहाँ पे बटुए में मटन बनाया जाता है, तो ये अलग कॉन्सेप्ट हुई यहाँ पे? हाँ, बटुआ में मटन इसलिए मेडिकेटेड होता है, ये मेटल का होता है, इसमें 4-5 धातु से बना हुआ बटुआ जो होता है, फूल पीतल तांबा ये सब का बना हुआ फूल नाम से। पहले इसमें पूर्व के लोग इसमें पुराने जमाने में नानी दादी के समय शिकार बनाया जाता था जो आज मटन और मीट के नाम से जाना जाता है। जी ये टाइमिंग बता देंगे यहाँ पर दुकान का, आपका टाइमिंग क्या होता है? 10 बजे से खाना मिलना चालू हो जाता है, रात को 10:30 बजे तक। ओके, तो एक बार प्राइस बता दीजिए मटन का क्या प्राइस होने वाला है? मटन चावल के साथ 2 पीस मटन 140 रुपये। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस ये देख सकते हो हमारा ऑलमोस्ट जो है मटन रेडी हो चुका है, ये देखो आप। तो ये देखो आप हमारा मटन लगभग बन के रेडी हो चुका है। सो गाइस ये देख सकते हो काफ़ी ठीक ठाक कलर और रोगन जो आ रहा है। सो गाइस ये देखो हमारा मटन लगभग बन के हो चुका है, लगभग कंप्लीट। ये देखो काफ़ी अच्छा बुलबुला यहाँ, देखो कितना अच्छा रहा। यहाँ पे मटन में तड़का लगने वाला है, घी के साथ यहाँ पे जीरा डाल दिया गया है। ये देखो हमारा यहाँ पे हींग का तड़का लग रहा है, वो घी के साथ हमारा तड़का जो यहाँ देखो लगाया जा रहा है, देख सकते हो यार। तो ये देखो आप काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे सुगंध आ रही है। सो गाइस ये देख सकते हो हमारा मटन काफ़ी बढ़िया से बन के हो चुका है रेडी, और फटाफट करते हैं टेस्ट और आप लोग को बताते हैं कि मटन कैसा बना हुआ है। तो गाइस ये देखो काफ़ी अच्छी ग्रेवी यहाँ पे बन चुकी है, ये देखो कितना बढ़िया हमारा मटन यहाँ पे बन के हो चुका है रेडी। चलिए फटाफट प्लेट लगवाते हैं और आप लोग को बताते हैं टेस्ट करके कि मटन का टेस्ट यहाँ का कैसा है। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं चाचा जी जो है खा रहे मटन, चलिए इनसे पूछते हैं मटन का इनको टेस्ट कैसा लग रहा है। टेस्टी और अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है खाने में। पीस भी बड़ा आता है, तो यहाँ पे बोलिएगा इनको खाने के लिए यहाँ पे मटन। जी जी जी, यहाँ पे आके खाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो मटन
मटन मतलब वाकई में बढ़िया बना, बढ़िया बढ़िया सही में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो गाइस हमारा प्लेट यहाँ पे लग चुका है, ये चेक करो आप। यहाँ पे हमें प्लेट में मिल चुके हैं चावल, सलाद और यहाँ पे पापड़, और हमारा मेन यहाँ पे मटन, ये चेक करो। ये देखो आप, काफ़ी अच्छा मटन है, मटन काफ़ी गाढ़ी ग्रेवी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखो काफ़ी अच्छा ग्रेवी है यहाँ पे, ठीक है, रोगन भी ठीक ठाक निकला हुआ है। तो चलिए इसको दिखाते, ये देखो काफ़ी अच्छा ग्रेवी यहाँ पे निकल के आया हुआ है। और बात करूँ अगर मटन की पीसेस की, तो पीस भी ठीक ठाक यहाँ पे मिला हुआ है आपको। और ये देखो आप, गरम है भाई, ये देखो मटन, मटन देख रहे हो कैसे तोड़ते हुए, थोड़ा सा भी हाथ लगाते हुए मटन जो निकल जा रहा है। चलिए ग्रेवी टेस्ट करके आप लोग को बताते हैं। और ये चर्बी, सो गाइस मुंह में जाते ही ग्रेवी का जो टेस्ट जो है निकल के आ रहा है एकदम बहुत अच्छा तरीका से। यहाँ पे मसालों को यूज़ किया हुआ था, काफ़ी कम मसाला यूज़ किया हुआ है, बट टेस्ट जो है बहुत तगड़ा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मेन हमारा मसाला जो डाला हुआ था, लहसुन कूटा हुआ, एकदम पेस्ट बना लिया गया था, उसको अच्छे से छान लिया गया, मटन को अच्छे तरीके से प्याज में मिक्स किया गया, मसाला डाल के जो भी पेस्ट किया हुआ मसाला था हमारा सारा मिक्स किया गया। और उसके बाद हमारा हांडी में, पीतल के हांडी, यहाँ पे कांस के हांडी में चढ़ाया गया, तो उसका खुशबू जो है गाइस, उसका जो टेस्ट है एकदम नेक्स्ट लेवल वाला आ रहा है, एकदम बढ़िया वाला टेस्ट आ रहा है। ये बहुत लजीज मटन हमें लग रहा है काफ़ी। और अगर मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं बोलूँ तो रांची में आपको कहीं पर नहीं बटुआ मटन आपको मिलेगा, सिर्फ आपको यहीं पे बटुआ मटन आपको मिलेगा। पीस भी अच्छे तरीके से पका हुआ है और पीस के अंदर तक भी ग्रेवी का मज़ा आ रहा है गाइस। यहाँ पे चावल, मटन के दो पीसेस, पापड़ और आपको सलाद यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि 140 रुपये में आपको, 140 रुपये में हमें आपको मटन यहाँ पे खाने के लिए मिलेगा। और बटुए वाले मटन यहाँ पे, स्पेशली बटुआ मटन आपको खाने को मिलेगा। कभी आप सोचते हो हम बटुआ मटन खाने के लिए, पूरे रांची में सिर्फ आपको यहाँ पे, नाम झारखंड आंदोलन होटल के नाम से आपको यहाँ पे मिलेंगे टेस्ट है। तो फटाफट क्या करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक कमेंट रहे होंगे चैनल पे, ऐसे ही रेगुलर हमारे वीडियोस को आप देखते रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल कहीं और कुछ के लिए, बाय बाय, टेक केयर गाइज।